हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक और क्वेश्चन करते हैं सेंटर ऑफ मास पे। क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स पे थ्री पार्टिकल्स हैं। तो वर्टेक्स ए पे पार्टिकल है 1 kg का, वर्टेक्स बी पे पार्टिकल है 2 kg का और वर्टेक्स सी पे पार्टिकल है 3 kg का। और आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ देयर सेंटर ऑफ मास फ्रॉम ए। तो इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना है हमें और सेंटर ऑफ मास की पार्टिकल ए से डिस्टेंस बतानी है। तो देखिए कैसे प्रोसीड करेंगे इसको। तो सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए हमें XCM और YCM फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो XCM का फार्मूला आपको पता है m1x1 m2x2 m3x3 m1 m2 m3। तो यही फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो m1 की वैल्यू है 1 kg और x1 x2 x3 फाइंड आउट करने के लिए आपको रेफरेंस पॉइंट एज्यूम करना पड़ेगा। तो रेफरेंस पॉइंट हम ए पॉइंट को ही ले लेते हैं। तो ए पॉइंट अगर रेफरेंस पॉइंट है तो पार्टिकल ए के लिए जो डिस्टेंस x1 आएगी x डायरेक्शन में वो कितनी होगी? 0, क्योंकि जिस पॉइंट से आप मेजर कर रहे हो उसी पॉइंट पे पार्टिकल सिचुएटेड है ऑलरेडी, तो डिस्टेंस हो जाएगी 0। अब सेकेंड पार्टिकल के लिए अगर हम बात करें तो सेकेंड पार्टिकल का मास है 2 kg और डिस्टेंस की अगर बात की जाए तो पॉइंट ए से पार्टिकल बी की जो डिस्टेंस है, मतलब एक्स डायरेक्शन में जो डिस्टेंस होगी दैट इज 0.5 मीटर, क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस है 1 मीटर, तो ये हाफ डिस्टेंस होगी 0.5 मीटर। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो नेचुरल सी बात है कि ये डिस्टेंस हाफ हो जाएगी, तो ये आएगी 0.5 मीटर। लेकिन आप पॉइंट ए के लेफ्ट साइड में डिस्टेंस मेजर कर रहे हो इसलिए वैल्यू नेगेटिव आएगी, दैट इज -0.5 मीटर। प्लस m3 की वैल्यू है 3 kg और डिस्टेंस, इसके लिए भी डिस्टेंस आपकी 0.5 मीटर ही होगी लेकिन ये राइट साइड है, तो इसको हम लेंगे पॉजिटिव 0.5 मीटर और डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। तो ये पोर्शन तो आपका हो गया 0 और ये आएगा 2 × 0.5 दैट इज -1 प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1.5 डिवाइडेड बाय 6। तो ये आ जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाय 6, दैट इज इक्वल टू 1/12 मीटर। 1/12 मीटर और ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। पॉजिटिव आने का मतलब सेंटर ऑफ मास इस ए पॉइंट के साथ, ए पॉइंट से होके जो मैंने लाइन ड्रॉ की है उसके इधर आएगा। तो इस लाइन पे कहीं आपको सेंटर ऑफ मास एक्स डायरेक्शन में मिलेगा। तो ये डिस्टेंस है आपकी, ये वाली जो डिस्टेंस होगी दैट इज 1/12 मीटर। तो ये डिस्टेंस आपको जो दिख रही है ये वाली, ये है आपकी 1/12 मीटर। तो ये तो आपका XCM निकल गया। अब इसी तरह से अगर हम YCM फाइंड आउट करें तो YCM के लिए फार्मूला है m1y1 प्लस m2y2 प्लस m3y3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। तो दोबारा मास m1 की वैल्यू 1 kg इंटू फर्स्ट पार्टिकल के लिए बात करें जहां से आप डिस्टेंस मेजर कर रहे हो, पार्टिकल अगर उसी पॉइंट पे है तो डिस्टेंस हो जाएगी 0 प्लस m2 की वैल्यू है 2 kg और y की अगर बात की जाए तो y जो है a पॉइंट से b पार्टिकल की y डायरेक्शन में डिस्टेंस कितनी होगी तो ये हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इस पॉइंट को लेट कर लेते हैं dn, तो हमें इसका मतलब फाइंड आउट करना है ad। ad इज इक्वल टू अंडर रूट 1 का स्क्वायर माइनस 0.5 का स्क्वायर। तो अंडर रूट के अंदर आएगा। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आप आइडेंटिटी भी यहाँ पे यूज कर सकते हो या डायरेक्ट सिंपलीफाई कर लो। तो 1 का स्क्वायर 1 और 0.5 का स्क्वायर क्या होगा? 0.25। तो ये आ जाएगा आपका अंडर रूट के अंदर 0.75। इसको हम अंडर रूट के अंदर 3/4 भी लिख सकते हैं। दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 3/2। इस तरह से एडी की वैल्यू में मिल गई अंडर रूट 3/2। अब देखिए जो बी पार्टिकल है ए पॉइंट से नीचे है तो हम डिस्टेंस माइनस में लेंगे, तो वैल्यू आएगी माइनस अंडर रूट 3/2 प्लस m3 दैट इज 3 kg इंटू सी पार्टिकल भी सेम डिस्टेंस पे है और नीचे ही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ए भी आएगा माइनस अंडर रूट 3/2 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3।
तो ये पार्ट हो गया हमारा जीरो, और ये आएगा टू से टू कैंसिल माइनस रूट थ्री, और यहाँ आएगा माइनस थ्री रूट थ्री डिवाइडेड बाय टू और अपॉन थ्री प्लस टू फाइव प्लस वन सिक्स। अब यहाँ पे एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा माइनस टू रूट थ्री माइनस थ्री रूट थ्री डिवाइडेड बाई टू इंटू सिक्स ट्वेल्व, तो ये आ गया आपका माइनस फाइव रूट थ्री डिवाइडेड बाई ट्वेल्व, माइनस फाइव रूट थ्री डिवाइडेड बाई ट्वेल्व, ये भी आपका मीटर में। तो ये फाइव रूट थ्री डिवाइडेड बाई ट्वेल्व जो वैल्यू आ रही है नेगेटिव आ रही है, तो आपको क्लियर हो गया कि सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट से नीचे होगा। अब लेट कर लेते हैं कि सेंटर ऑफ मास कहीं इस लाइन पे है, इस लाइन पे है, मतलब ए वाली जो डिस्टेंस आई है ए है आपकी फाइव रूट थ्री बाई ट्वेल्व, और ये डिस्टेंस है आपकी, ए जो डिस्टेंस है दिस इज वन बाई ट्वेल्व मीटर। अब ये जो दोनों लाइन जहां पे कट कर रही है यही आपका सेंटर ऑफ मास है। इस पॉइंट को हम लेट कर लेते हैं जी है, और आपको फाइंड आउट करना है ए जी। तो ए जी अगर आपको फाइंड आउट करना है, ये देखिए ए लाइन में डॉटेड लाइन बना रहा हूं ग्रीन कलर से, इस लाइन को फाइंड आउट करना है। तो ये आपको एक दिख रहा है एक छोटा सा ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल से ए जी निकालना है आपको। तो ए जी क्या होगा, देखिए ए जी इज इक्वल टू अंडर रूट ए डिस्टेंस फाइव रूट थ्री बाई ट्वेल्व, फाइव रूट थ्री बाई ट्वेल्व का स्क्वायर प्लस ए वाली डिस्टेंस है वन बाई ट्वेल्व, तो यह आएगा वन बाई ट्वेल्व का स्क्वायर। तो अब देखिए फाइव का स्क्वायर होगा ट्वेंटी फाइव, रूट थ्री का स्क्वायर थ्री डिवाइडेड बाई ट्वेल्व का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर वन डिवाइडेड बाई ट्वेल्व का स्क्वायर। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो अंडर रूट के अंदर क्या आएगा, अंडर रूट के अंदर ट्वेंटी फाइव इंटू थ्री सेवेंटी फाइव प्लस वन अपॉन ट्वेल्व का स्क्वायर। अब ट्वेल्व का स्क्वायर आप रूट से बाहर ले सकते हो और ये आ जाएगा अंडर रूट सेवेंटी सिक्स, अंडर रूट सेवेंटी सिक्स डिवाइडेड बाई ट्वेल्व, तो यही आपकी डिस्टेंस आएगी मीटर में। तो हमारे से यही क्वेश्चन पूछा गया था कि सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस ए से बताइए, तो ए से सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस आ रही है अंडर रूट सेवेंटी सिक्स बाई ट्वेल्व मीटर। तो थैंक यू।